गॉल ब्लैडर जो है ये आपका निकल गया और पत्थरी आपकी ऐसे करके निकल गई। स्ट्रेस था वो सारा खत्म हो गया। रीढ़ की हड्डी पे कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज बलबीर कौर फ्रॉम मोगा। मैंने गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन करवाना था तो मैं कई जगह पर गई, तो मेरे नेबर्स ने भी कई बार मेरे को बोला कि आप चंडीगढ़ से करवा लो, पंचकुला में करवा लो या लुधियाना से करवा लो। मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ पे जाऊँ। इतने में हमारे जो टीचर हैं उन्होंने मेरे को बताया, डॉक्टर अमित सूद जी के बारे में बताया। तो मैं फिर डॉक्टर अमित सूद जी से जब मिली तो मैं एकदम से घबराई हुई थी, एकदम से मेरा रोना निकल पड़ा ऐसे करके, क्योंकि मेरी पहले 5 mm थी और 2 महीनों में ही मेरी 25 mm पथरी जो थी वो हो गई थी। तो इसके बाद जब मैं सर के पास आई तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हौसला दिया। वो कहते पहले उन्होंने मेरे को चुप करवाया और पानी वगैरह मेरे को दिया ऐसे करके, फिर वो कहते पहले आप ऐसे नर्वस ना हो, आप आराम से बात करो। फिर मैंने आराम से, उन्होंने मेरे को इतना हौसला दिया, फिर मैंने अपने सारी रिपोर्ट्स वगैरह उनको दिखाई तो उन्होंने बोला कि आप घबराओ नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गॉल ब्लैडर जो है ये आपका निकल गया और पत्थरी आपकी ऐसे करके निकल गई है। तो मैं इतना मन में डर था मेरे कि मेरा ऑपरेशन होना है और ऐसे स्ट्रेस और इतना। जब मैं डॉक्टर अमित सूद जी से मिली तो मेरे को पता नहीं एकदम से जो स्ट्रेस था वो सारा खत्म हो गया। तो अब जब मेरा ऑपरेशन के लिए मेरे को लेने गए लेकर गए तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है या कैसे, एक कॉन्फिडेंस था मेरे में कि नहीं मेरे को कुछ नहीं होगा। तो वो जब मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरे को सचमुच भी पता नहीं चला कि मेरा सर्जरी जो मेरी है वो हो गई है, तो उसके बाद जब मेरे स्टिचेस रिमूव हुए तब भी मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी तरह से मैं सारा कुछ खा रही हूँ। डॉक्टर अमित सूद जी ने जब मेरा ऑपरेशन किया तो उन्होंने मेरी रीढ़ की हड्डी पे कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाया, जबकि ये मेरा जो ऑपरेशन था लैप्रोस्कोपी के साथ ही किया गया, तो जिससे कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। और डॉक्टर अमित सूद जी यहाँ पे हमारे मोगा में ही एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो मैं सभी से यही करूँगी कि एक बार आप डॉक्टर अमित सूद जी से ज़रूर आकर कंसल्ट करें। धन्यवाद।